पेपर लीक के मामले में गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को एक खास दायरे में फोकस कर दिया, यानी जांच के दायरे में पहले 1,08,000 छात्र आएंगे जो नीट के नतीजे में मेडिकल सीट के लिए सफल माने गए। और देखिए, पहले 1,08,000 छात्रों पर जांच फोकस करने से ये जो लीक का दायरा तय करने में बेहद आसानी हो जाएगी। दिखाते हैं एक आपको खास रिपोर्ट। पेपर लीक की गुत्थी खोलेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्रवार रिजल्ट से खुलेगा लीक का दायरा। जिस सेंटर पर धांधली वो बेनकाब होगा, पकड़े जाएंगे वो जिन्होंने पैसे देकर पेपर लिया। नीट पेपर लीक का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में चल रहा है, इस पर सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। लेकिन अभी तक की सुनवाई में एक बात साफ हुई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है वो ये कि क्या पेपर लीक बड़े दायरे में लोगों तक पहुंचा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो परीक्षा रद्द करने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार से लेकर एनटीए तक ने दलीलों में एक ही बात पर जोर देकर कहा कि पेपर बेहद सीमित दायरे में लीक हुआ। गुरुवार को 4 घंटे तक सुनवाई चली, तमाम पक्षों ने अपनी राय रखी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक और रिजल्ट धांधली की तह तक जाने वाले कई सवालों के जवाब शनिवार तक मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा कि शनिवार तक पूरा रिजल्ट शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करो, जिस पर एनटीए की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले विरोध किया, तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक होना तथ्य है, परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हुआ था इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे में पेपर लीक कहां तक हुआ, क्या पेपर लीक कुछ केंद्र तक ही हुआ या पेपर लीक व्यापक स्तर पर हुआ, इसलिए जरूरी है कि एनटीए पूरे रिजल्ट को जारी करे ताकि संपूर्ण डेटा का विश्लेषण किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में अब छोटे और जरूरी दायरे में फोकस कर दिया है, यानी कि 1,08,000 छात्रों का डेटा पहले देखा जाएगा जो मेडिकल सीट पाने के हकदार बने। अगर गड़बड़ी हुई होगी तो फायदा इन्हीं छात्रों में से कुछ ने उठाया होगा। सवाल थे बड़े पॉइंटेड थे, वो उन्होंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि कितनी सीटें हैं, तो 56,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं और 52,000 के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है। तो कोर्ट ने कहा कि पहले हम पूरे 23 लाख या 13 लाख को ना करके पहले हम 1,08,000 पे कंसंट्रेट करते हैं कि इसमें क्या स्पाइक हुआ, क्या इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एंटर कर गया जिसको नहीं आना चाहिए था मेरिट के ऊपर है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने सारा डाटा मांगा है। सवाल है कि आखिर कितने लोगों तक लीक पेपर पहुंचा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपकी दलीलों के हिसाब से पेपर 225 बच्चों तक गया, इस पर सरकार के वकील ने कहा कि अंदाजन 150 बच्चों तक लीक पेपर पहुंचा था। कल की सुनवाई से ये तो साफ हो गया कि पेपर लीक हुआ है और हो सकता है सोमवार को इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। संजय शर्मा, आज तक। चलिए, तो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सत्यजीत का हमने रुक कर लिया, आदित्य वैभव का हमने रुक कर लिया, मिलन शर्मा का रुक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की खबर पर जानकारी देंगे। मिलन, सोमवार को अब अगली सुनवाई है सेंटर वार और हर डिटेल्स देने को कहा गया है। एनटीए ने पहले आनाकानी की लेकिन अब तैयारी हो रही है, इससे कितना फायदा होगा और चूंकि कोर्ट के सामने भी चुनौती है, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, तो कोर्ट भी जल्दबाजी में नहीं है। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, कोर्ट का सीधा सवाल यही है कि जो 1,08,000 बच्चे हैं जो क्वालिफाई करेंगे मेडिकल सीट में से, उनमें से कितने बच्चों को इस पेपर लीक का लाभ मिला है, और इसीलिए कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं एनटीए से, उसमें सबसे बड़ा जो खुलासा एनटीए करेगा वो सोमवार को होगा, जिसमें बोला गया है कि 24 लाख में से 13 लाख बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया नीट एग्जाम के लिए, उनके जो रिजल्ट हैं वो अब उनको सार्वजनिक करने होंगे, और ये रिजल्ट सार्वजनिक होने के बाद जो डेटा देखा जाएगा उसमें यह भी कोर्ट ने पूछा है कि इनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जो टॉपर्स लिस्ट में आए या जो 500 या 600 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करते हैं और उन सेंटर से हैं जहां पर पेपर लीक या धांधली के मामले सामने आए हैं। तो साफ साफ कहें तो कोर्ट का सबसे बड़ा जो मैंडेट है इस वक्त वो यही दिखाई दे रहा है कि कौन है ये बच्चे, कौन से शहरों से हैं जिनको पेपर लीक का लाभ मिला, और क्या ये बच्चे उन क्वालिफाइंग सीट्स में हैं जिनकी इस वक्त
सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। सीजीआई ने खुद कहा है कि जब ये खुलासा हो जाएगा, डेटा सामने आ जाएगा जो एनटीए को देना पड़ेगा, जो एनटीए ने अभी तक छुपा कर रखा था, और ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है एनटीए के लिए रहेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों का डेटा सार्वजनिक करना, कितने मार्क्स आए, कौन से शहरों से थे, ये एक अपने आप में बड़ा खुलासा है। एक और जो बहुत अहम सवाल पूछा गया था कि 1560 बच्चे जिनको रीटेस्ट की का मौका दिया था, उसमें से कितने बच्चों ने जो रीटेस्ट दिया 813, उनको क्या किसी टेंटेड सेंटर से लाभ मिला, ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा सवाल था। तो कुल मिला के ऐसा हो सकता है कि सोमवार तक जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाई दे जाएगी और बच्चों को आश्वासन मिलेगा कि किस दिशा में ये केस जा रहा है और क्या उनके हित में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकती है। आशुतोष, पटना से मेरे सहयोगी आदित्य वैभव भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर रीटेस्ट की संभावना बनती है, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि, और कई सारे लोगों का भी ये मानना है कि सभी के लिए रीटेस्ट दरअसल फीजिबल नहीं है और इससे उन लोगों को भी नुकसान होगा जिन्होंने फेयर प्रोसेस से ये पूरा एग्जामिनेशन दिया है, ऐसी संभावना में क्या एनटीए की जवाबदेही सिर्फ यहीं तक सीमित होगी कि कहां कहां पर पेपर लीक हुआ है वहीं पर दोबारा रीटेस्ट हो? एनटीए का क्या रोल है, क्योंकि अगर सोमवार की सुनवाई अहम है तो ये एनटीए के लिए भी आदित्य काफी अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर एनटीए की बात की जाए तो एनटीए के लिए ये सुनवाई काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि एनटीए की क्रेडिबिलिटी अब इस पूरे मामले में दांव पर है। आप ये समझ सकती हैं कि जिस तरह से पटना हो या रांची हो या इसके अलावा दिल्ली तक इसके तार जुड़े हैं, और संजीव मुखिया के बारे में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि वो अब भी नेपाल में छुपा हुआ है, तो आप समझ सकती हैं कि मामला पूरी तरह से हाई प्रोफाइल था। लेकिन जिस तरह से एनटीए ने इसको बार बार नकारने की कोशिश की है, छात्रों के मन में एनटीए की छवि काफी ज्यादा धूमिल हुई है। चलिए आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विपक्ष हमलावर है इस घटनाक्रम को लेकर, कांग्रेस क्या कह रही है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, सुनवाते। नीट के अंदर इतना बड़ा घपला हुआ है, 20-25 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा है, कौन जिम्मेदार है? वो लोग कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा पेपर लीक किया है? और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का जब अप्लाई किया, उसके अंदर भी इसी तरीके का वाकया पेश आया, वहां भी पेपर लीक हुआ। ये बीजेपी की सरकार के अंदर हो क्या रहा है? ये तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग ये काम ना कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को सामने रखते हुए अपने उन्होंने जो फैसला दिया है या जो कुछ भी उन्होंने कमेंट्स किए हैं वो आपने बताए मुझको, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ सोच रहा है या कुछ देख रहा है उसके मुताबिक ही कुछ बात कर रहा होगा, तो उस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है।